वेलकम बैक दोस्तों, हमारे इस चैनल में सभी का स्वागत है। जैसा कि एसटीटी संबंधित जो भी खबर होती है हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पटना हाई कोर्ट में जो केस फाइल किया गया है एसटीटी को लेकर आलोक जी के द्वारा, ये जो केस है इसे डिले हो गया था, किसी कारणवश लिस्टेड नहीं हो पाया था, क्योंकि इसकी जो हियरिंग की डेट थी ये 29 जून को रखी गई थी। तो मैंने आपको इसका अपडेट भी प्रोवाइड कर दिया था और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है और एक बड़ी खुशखबरी भी है। और सभी लोग अपने तरफ से और हमारे चैनल के माध्यम से आलोक जी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि कल सबसे पहले नंबर पे आलोक जी के केस की सुनवाई है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 जुलाई की जो डेट रखी गई है, जस्टिस डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय जो हैं इस केस की सुनवाई करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नीचे सबसे पहले नंबर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले नंबर पे एसटीटी की सुनवाई होगी। देखिए यहाँ पे ठीक है, तो आलोक कुमार सिंह, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स का नाम है, ठीक है। और इस तरीके से मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो है हियरिंग के लिए यहाँ पे लिस्टेड हुआ है, और मुझे देखिए ग्रुप में अभ्यर्थियों ने भेजा है, और तुरंत जानकारी जैसे ही मुझे मिली तो मैं सीधे आपको यहाँ पे ले आया, ठीक है। और देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ अपना केस नंबर भी यहाँ पे, देखिए यह है 13 नंबर का, यानी कि 13 नंबर पे जो है हमारा केस जो है फाइल हुआ है, ठीक है। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है CWJC 6768, ठीक है, /2020, ठीक है। और इधर देखिए आलोक कुमार द स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, और इधर देखिए अरुण कुमार, रितिका रानी, ऋतुराज, ठीक है, रितिका रानी भी हैं यहाँ पे मैटर फर्स्ट में, ठीक है, ललित किशोर। तो इधर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आपका जो है यहाँ पे देखिए, ठीक है, एडवोकेट का नाम है यहाँ पे। और जैसा कि सभी को ज्ञात है कि रितिका रानी का नाम आप सभी ने सुना भी होगा, एडवोकेट रितिका रानी, ठीक है, क्योंकि एडवोकेट जो रितिका रानी है इन्होंने ही पहले सबसे पहले एसटीटी केस की सुनवाई की थी, जिसके तहत कि एसटीटी का जो रिज़ल्ट है वो रद्द हुआ था, ठीक है। तो कह सकते हैं भाई कल का दिन हमारे लिए एक अच्छा दिन हो सकता है, और जैसे ही मुझे अपडेट मिलेगी कि एसटीटी में क्या कुछ हुआ मैं सीधे अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश भी करूंगा। फिलहाल तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, उन अभ्यर्थियों तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को जो लोग इस आस में बैठे थे कि क्या कुछ हुआ है, हो रहा है एसटीटी को लेकर, कुछ लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि सभी को जानकारी प्रोवाइड कीजिए और अधिक से अधिक लोग जुड़िए, ठीक है। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद दोस्तों, पसंद आया तो शेयर कीजिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।